हमें नमस्कार सभी साथियों को। आज हम आप सभी के लिए फायरमैन की कुछ रिक्वायरमेंट लेकर के आए, तो हर एक चीज के बारे में जानेंगे, किस डिपार्टमेंट के अंदर फायरमैन की रिक्वायरमेंट है, टोटल कितनी पोस्ट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट फायरमैन, नेवी के अंदर फायरमैन की रिक्वायरमेंट है। अगर हम बात करें पोस्ट के बारे में तो पोस्ट होगी फायरमैन की, फायरमैन की पोस्ट होगी इंडियन नेवी के अंदर। इसी के साथ में अगर बात करें एज के बारे में तो एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 27 साल, और इसी के साथ में ओबीसी के जो कैंडिडेट उनको 3 साल के लिए एज में छूट दी गई, तो 3 साल छूट दी है, टोटल हो गई 30 साल। 30 ईयर तक जो भी कैंडिडेट है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में बात करें पे के बारे में तो पे जो होगा आरएस 18,000 रुपए से 25,500 रुपए पे। उसी के साथ में क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड फायरमैन का जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो उसके क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या होने चाहिए, तो उसके जो क्वालिफिकेशन है वो कम से कम 10वीं पास होना जरूरी। 10वीं पास जो भी कैंडिडेट है वो इंडियन कोस्ट गार्ड फायरमैन का जो फॉर्म है अप्लाई कर सकता है। इसी के साथ में सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात कर ले तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ ऑन द टेस्ट, तो कैंडिडेट जो भी होगा वो रिटन टेस्ट के बेस के ऊपर उसका सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। इसी के साथ में उसका इंटरव्यू करवाया जाएगा, उसके बाद में आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस। इसी के साथ टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल जो पोस्ट है इसके अंदर होंगी चार टोटल पोस्ट होंगी। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो टोटल पोस्ट है वो होंगी 3। इसी के साथ में ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की जो पोस्ट है टोटल होगी 1। अब एससी और एसटी की जो कैंडिडेट है अगर वो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट है एससी एसटी के तो कभी ये ना सोचे कि एससी एसटी की पोस्ट नहीं है, तो आप इसे जनरल कैटेगरी के अंदर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में फॉर्म की स्टार्टिंग जो डेट है उसके अगर बात करें तो 25 अक्टूबर से स्टार्ट है, लास्ट डेट जो होगी वो 22 नवंबर 25 अक्टूबर से 22 नवंबर फॉर्म को स्टार्टिंग होने की डेट है, और फॉर्म जो होगा वो ऑफलाइन मोड के अंदर होगा, आपको बाय डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। और स्पीड पोस्ट के माध्यम से अगर हम एड्रेस की बात करें तो कोलकाता के इस एड्रेस के ऊपर आप सभी को इंडियन कोस्ट गार्ड फायरमैन का जो फॉर्म है उसको भेजना होगा। तो ये था इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर जो रिक्वायरमेंट आई हुई है फायरमैन की। उसके बाद इसी के साथ में और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आई हुई है, बहुत ही जल्द आप सभी के समक्ष रखी जाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।